महाराष्ट्र पुलिस के सरकारी वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों के अनुसार ये बताया गया है कि इसी साल के जनवरी से लेकर मार्च महीने तक यानी कि बीते 3 महीने में राज्य से 3000 महिलाएं लड़कियां जो हैं वो गायब हुई हैं और इन लड़कियों की खोजबीन के लिए राज्य सरकार गंभीर नहीं है, ऐसा आरोप राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा रूपाली चाकनकर ने लगाया है। मेरे साथ इस वक्त रूपाली चाकनकर मौजूद है बातचीत करने के लिए। आपने साफ तौर पर राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि लापता हो रही महिलाओं पर और लड़कियों को लेकर उनके खोजबीन को लेकर राज्य सरकार गंभीर नहीं है। नहीं, मेरा कोई आरोप राज्य शासन के ऊपर नहीं है। राज्य महिला आयोग हमारी स्वायत्त संस्था है, एक संविधान काम करते हुए मुझे मालूम हुआ, हमारे पास ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई कि महाराष्ट्र की ज्यादातर महिलाएं और लड़कियां लापता है। इसके लिए काम करने के लिए हम सब एक साथ आके काम करना बहुत जरूरी है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसके रिलेटेड जो भी सेक्शन है, इसमें सहसचिव हो गए राहुल जी कुलकर्णी, पुलिस महासंचालक हो गए सुहास जी वाड़के, दीपक जी पांडे हो गए विशेष पुलिस महानिरीक्षक और स्वामी जी पुलिस उपायुक्त, इन सबको हमने विशेष सुनवाई के लिए बुलवाया था। तो उन्होंने हमारे यहाँ जो उनका रिपोर्ट दर्ज किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो और भी स्ट्रांग होना चाहिए ताकि हम एक साथ काम करके जितने भी लापता केसेस है इसके लिए हम कोशिश करें और जितने भी मिसिंग केसेस है इसके बारे में काम करते हुए इस सब मिसिंग केसेस, तो मुझे पता है कि हम 100% तो सक्सेस नहीं हो सकते लेकिन हमें कोशिश करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि राज्य शासन ने इसके ऊपर ध्यान देते हुए बहुत अच्छी तरह से विशेष तपास समिति गठित करनी चाहिए जिसके ऊपर वो तुरंत कार्रवाई करेंगे। तो आप ये कह रही हैं कि जिस तरीके का काम राज्य सरकार को किया जाना चाहिए इस मैटर में, वो तत्परता जो है वो राज्य सरकार की तरफ से दिखाई नहीं जा रही है। कहीं ना कहीं जो है जिस तरीके से काम किया जाना चाहिए वो काम उस स्पीड से नहीं हो रहा। राज्य शासन ने मुझे लगता है हर एक पुलिस स्टेशन में भरोसा सेल होना चाहिए, हर एक पुलिस स्टेशन में मिसिंग सेल होना चाहिए जिसके जरिए हम भरोसा सेल में जो डीवी के केसेस आते हैं उनका काउंसलिंग होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन वो मिसिंग सेल और मिसिंग सेल है उनके जरिए मिसिंग केसेस है वो लापता से रिकॉर्ड हमारे पास रहता है उनका फॉलोअप लेने के लिए, वो उनकी वो कोशिश हमारे जरिए करते रहते। लेकिन अगर भरोसा सेल ही नहीं होगा तो जितने भी सारे डीवी के केसेस आते हैं तो उनका काउंसलिंग कैसे करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है, और हमारे महाराष्ट्र में टोटल 35% वर्किंग वुमन्स हैं जो हर एक ऑफिस या स्टाफ है वहाँ पे काम करती है, तो उनका ये अधिकार बनता है कि उनको काम करते समय और काम कर जहाँ पे काम करते उस जगह पे उनको सुरक्षा मिले। लेकिन हमारे यहाँ ICC कमेटी भी नहीं है जो सिर्फ डॉक्यूमेंट पे रहती है, सिर्फ कागज पे रहती है। हालांकि ICC कमेटी क्या है जरा हमारे दर्शकों को वो समझाए कि आम भाषा में दर्शक समझे। ICC कमेटी मतलब इंटरनल कंप्लीट कमेटी रहती है जो हमारे कानून के जरिए हमें ये सुरक्षा दी गई है काम जहाँ पे हमारी महिला काम करती है, मतलब वो शासकीय निम शासकीय और वो खाजगी आस्थापना हो कई भी, तो उनको उनका ही हक रहता है कि जहाँ भी वो काम करेंगे 10 घंटा करेंगे 12 घंटा करेंगे 15 घंटा करेंगे 8 घंटा करेंगे कितना भी, तो उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। वहाँ कौन से भी सीनियर ऑफिसर हो उनके साथ काम करने वाले लोग हो उनके जरिए वो कोई भी उनको फिजिकली मेंटली हैरेस करते हो गए तो वो ICC कमेटी के पास जाके उनकी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए ICC कमेटी जरूरी है। और मुझे आपको ये बताना है कि सिवा ICC कमेटी की कोई भी कंपनी को परमिशन नहीं मिलती। अच्छा मैडम, ये बताइए कि महाराष्ट्र के ऐसे कौन कौन से जिले होंगे जहाँ पर अधिकतर जो है महिलाएं और जो लड़कियां हैं वो गायब हो रही हैं? आप लोगों ने डिटेल्स स्टडी किया होगा, कोई ऐसा जिला जहाँ पे ये निकल कर सामने आया कि इस जिले से ज्यादातर महिलाएं गायब हो रही हैं और क्या कारण क्या पता चल रहा है? तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको चार्ट बताया, अगर आप यहाँ भी जाएंगे तो मुंबई और बाकी के इलाके में ज्यादा है, पुणे के कुछ ज्यादा है और बहुत सारे, मतलब वो ऐसे केसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे पास रिकॉर्ड है, मैं आपको देती हूँ, तो इसमें 16 से 17 और 18 साल में मिसिंग की केसेस ज्यादा है। मतलब वो मुझे ऐसा लगता है कुछ खुद घर से बाहर निकल जाती है शादी के लिए या और कुछ मालूम नहीं, लेकिन वो बहुत सारे ऐसे केसेस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी केसेस के लिए हमें एक साथ काम करना बहुत जरूरी है। गायब हो रही लड़कियों को लेकर महिलाओं को के मामले में क्या आपको लगता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो अहम रोल निभा रहा है? कौन से ह्यूमन ट्रैफिकिंग ज्यादा पैमाने पे की जा रही है?
हाँ, मेरे खुद पुणा में इसके 80 से ज़्यादा केसेस है पुणा और बाजू के इलाके में से जो आए हुए, मैंने खुद देखे। वो सभी फैमिली मेरे पास आए थे, उनको लॉकडाउन के बाद अच्छी तरह से नौकरी दी जाएंगी, अच्छी तरह से तनख्वाह दी जाएंगी, ऐसा कहकर वो फैमिली की लड़की और औरत को लेके गए। लेकिन वो वहाँ जाने के बाद, मतलब वो ओमान दुबई में जाने के बाद, उनके डॉक्यूमेंट निकाल गए, उनके मोबाइल फ़ोन निकाल दिए गए, इसकी वजह से उनका लोकेशन ट्रेस नहीं हो रहा है। हमने राष्ट्रीय महिला आयोग और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और बहुत सारे लोगों के पास इसके बारे में हमने कंप्लेंट दर्ज की है, और मुझे बहुत विश्वास लगता है कि IGPCWC उन्होंने भी दो एजेंट के ऊपर इसके बारे में गुना दर्ज किया है, तो अच्छी तरह से एक साथ काम करेंगे, तो इसके लिए भी हम, मुझे लगता है हम सक्सेस हो पाएंगे। अच्छा, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा ब्रीफिंग किया है, आंकड़े बताए हैं, आपने कहा है कि राज्य सरकार को कुछ कमियां राज्य सरकार की आपने बताई हैं जिस पर राज्य सरकार को काम करना चाहिए। आप महिला आयोग की तरफ से क्या कुछ खासा प्रयास किया जाएगा आने वाले दिनों में? आज ही हमने, हमारी वो विशेष सुनवाई होने के बाद हमने राज्य शासन को एक लेटर लिखा है, उसमें ऐसा लिखा है कि एक समिति गठित की जाए। मतलब हमारा वो अधिकार होता है कि हम राज्य शासन को सिफारिश करें, तो इसके बारे में एक शोध मुहिम समिति गठित की जाए, और जिसके जरिए हम लापता महिलाएं हैं और जो लड़कियां हैं उनकी डिस्ट्रिक्ट वाइज के रिकॉर्ड हमारे पास रहे, और आपको हर 15 दिन के बाद आपके पास जितनी भी रिकॉर्ड या के बारे में इन्फॉर्मेशन मिले वो हमें भेज दें, तो इसका एक लेटर आज हम राज्य शासन को भेज रहे हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ कृष्णा ठाकुर, ABP News, मुंबई।